तो गाइज मैं सरोजनी बाजार आया था तो मेरे को सबसे ये पसंद आया सबसे ज्यादा, लेकिन क्या करूं भैया रेट बहुत ज्यादा मांग रहे भैया। इसके लिए तो मतलब धमाका ऑफर है यहाँ पे। गाइस क्या हालचाल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का सीन ऐसा है, अपन जाने वाले हैं सरोजनी नगर, और सरोजनी नगर में आप लोगों को डिटेल दे दूंगा कि वहाँ पे कितना कुछ सस्ता मिलता है या कितना कुछ महंगा मिलता है और क्या क्या चीज देखने को मिलेगी वहाँ पे। तो अपन चल रहे हैं सरोजनी नगर और आप लोगों को पूरा सरोजनी मार्केट घुमाएंगे और क्या क्या चीज़ मिलेगी और कितने कितनी रेट में मिलेगी पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, वीडियो काफ़ी मस्त होने वाली। बाकी चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं सरोजनी नगर। बाकी हम रुके हुए मेन पहाड़गंज में, वहाँ से निकल गए, अब टेम्पू वगैरह करते हैं और पहाड़गंज से सरोजनी नगर तक जाने का कितना किराया लगेगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। करोल बाग सीधा है, पहाड़गंज इधर है और गोल मार्केट इधर है। तो अपन जा रहे हैं सरोजनी मार्केट, चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे जाएंगे और क्या चार्जेस लगेगा। तो सरोजनी बाजार जाने के लिए आप लोग टेम्पो भी कर सकते हो और डायरेक्ट मेट्रो से भी जा सकते हो। तो हम जा रहे हैं मेट्रो से, और मेट्रो का क्या चार्जेस लगेगा वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। बस तो 20 या 40 रुपये लगेंगे मेरे हिसाब से, उससे कम से कम लगेंगे। यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, अब हम जाएंगे मेट्रो। तो जैसे कि यहाँ पे मेट्रो के लिए जानकारी देती हूँ, तो आप लोगों को जहाँ पे भी जाना ना तो ये सारी लोकेशन है, आप लोग पता करो कौन सी लाइन जाएगी, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ऐसे अलग अलग लाइन है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। कुछ बता थोड़ा सा जानकारी के लिए। भाई अगर दिल्ली में आ रहे हो ना तो दिल्ली में ये मैप समझ के चलना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइन चलती है। तो अगर अपन को ऐसा भी, मैं हूँ आर के आश्रम में, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा अभी राजीव चौक से हम जाएंगे, फिर दिल्ली हाट से फिर हम पकड़ेंगे सरोजनी नगर वाली। इस तरीके से हमारे कितनी सारी ट्रेन बदलनी पड़ेगी। मेरे को लगता है ट्रेन बदलने से अच्छा अपन भी ऑटो पकड़ के सीधा सरोजनी नगर पहुँचते। चलो मैं तो पब्लिक को कह रहा हूँ मेट्रो से जाओ, पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा और टाइम बचेगा पैसे बचेगा, सही बात है, पर अपन को भी टाइम पे पहुँचना है। चलो तो जैसे ही गाइस आप लोग बता दूँ, आप लोग जाओगे ना तो सरोजनी नगर है ना, ना ये पेंडल वाला जाएगा ना ये बैटरी वाला जाएगा। नॉर्मल जो वो ऑटो होते हैं ना, ये वाले ऑटो जाएंगे, पीले कलर के जो ऑटो होते हैं ना ये जाएंगे सरोजनी नगर, जो आप लोगों को छोड़ देंगे। और बाकी देखते चार्ज कितने लेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हरे कलर के होते हैं, चार्जिंग में बताता हूँ कितने पैसे लेंगे। तो भाई दिल्ली के अंदर हमारे राजस्थानी भाई मिले, हमारे को बहुत अच्छा लगा। ये पांचवी पीढ़ी से नस्ल से कह रहे हैं कि भाई हमारे पहली पीढ़ी के लोग यहाँ पे आ गए थे तो हम दिल्ली में बस गए। तो भाई अच्छा लगा भाई से मिलके, और विक्की भाई से, भाई ने इतना दिल खुश कर दिया, विक्की और महंग भाई ने इतना दिल खुश कर दिया, बोले भाई आप हमारे को आदमी अच्छे लगे तो मैं आप लोगों को पीएम हाउस के वहाँ से लेके चलूँगा, आप लोगों को दिखा भी दूंगा और थोड़ा सा बता भी दूंगा कि ये पीएम हाउस है। तो चलते हैं, मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं, खाली इंटरनेट पर देखा, बाकी आज रियल में भी देख लेंगे कैसा दिक्कत पीएम हाउस। और दूसरी बात, इसके साथ साथ हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपके अंदर शॉपिंग करने की चुल है तो भाई पैसे ले जाओ भर भर के और माल लुटा दो दिल्ली। अभी हम सीपी पहुंच चुके हैं, देखो। और भाई दिल्ली में जो सबसे खूबसूरत एरिया लगता है ना ये सीपी का लगता है। आपने डरा दिया यार। ये देखिए दिल्ली का ये सबसे खूबसूरत एरिया कहलाता है सीपी, सबसे रॉयल एरिया जो कहते हैं ना, एक तरीके से आपको विदेश वाली फीलिंग आ जाएगी यहाँ पे घूमने के बाद। अंग्रेज वाली? हाँ, विदेशों में ऐसे रहते हैं ना वाइट वाइट बड़े बड़े हाउस उस टाइप का। बाकी भाई बिल्डिंग है देखो यहाँ पे, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये भाई स्टेटमेंट हाउस है यहाँ।
बाकी बिल्डिंगें देखो भाई, यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बाकी दिल्ली दिल्ली है, ये बात तो मानना पड़ेगा। पब्लिक क्राउड बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है। ये देखो पहले तो ये देखो आप लोग, इंडिया गेट, ये इंडिया गेट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है। और ये राष्ट्रपति भवन है, ये देखो गाइस, यहाँ पे जितने भी घर दिखेंगे ना आप लोगों को, सारे सीएम पीएम जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं ना, बड़े बड़े मंत्री हैं उनके हैं। और यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक घूमना अलाउ नहीं है। ये देखो गाइस, ये यहाँ से पीएम हाउस चल रही है और यहाँ पे 144 धारा लागू रहती है, चार जन भी एक साथ नहीं घूम सकते यहाँ पर, भैया ने बताया। देखो तो सही कितना, ये देखो ये रेस घोड़े की रेस होती है यहाँ पर, यार कहाँ घास में छुप के खड़ा हुआ, पूरे तेरी चारों तरफ हाथ खड़े हुए तो नहीं यार। बिल्डिंग देखो सामने, एक बंदे की 4 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे ये फौजी जो खड़े भी है सपोर्ट रहे, सिक्योरिटी फोर्स है, ये नॉर्मल पूरे बॉर्डर की जो सेफ्टी करते हैं हमारे इंडिया के, उसकी फोर्स लगा रखी है। ये देखो होटल से क्या व्यू आ रहा है, ये देख यार, ये सामने था होटल सम्राट है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट, और वो भाई इतना अच्छा था, उसने 150 के 100 रुपये लिए, मतलब हम लोग बातें करी भाई को अच्छा लगा। और बाकी अब चलते हैं और मार्केट घुमाते हैं आप लोगों को। तो गाइस कभी आप लोगों ने लड्डू खाया है, खाया होगा मीठा लड्डू खाया होगा, यहाँ पे आपको तीखा लड्डू मिलता है, क्या नाम उसका, राम लड्डू। तो भैया दिल्ली में आओ और लड्डू खा के जाओ, तीखा वाला। कितने रुपए प्लेट है? 40 का 50 का। भाई आप लोग आते हो तो कुछ लाओ नहीं लाओ, एटीएम कार्ड जरूर लेकर आओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ़ोन पे की लिमिट ख़त्म हो जाती है और हम निकाल नहीं पाते पैसे, तो एटीएम कार्ड होगा तो पैसे निकल जाएंगे। भाई आ गई नोटों की अपडी। तो जैसे ही गाइस यहाँ से स्टार्ट होता सरोजनी नगर मार्केट, तो गाइस मैं सरोजनी बाजार आया था तो मेरे को सबसे ये पसंद आया सबसे ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ भैया, रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे भैया, लेकिन दिल आ गया मेरा इस पर, 1000 मांग रहे भैया इस पर। और बाकी मेन तो ये बाजार पूरा लेडीज़ का ही है यार, लेडीज़ आएगी ना तो दोनों हाथ से भर के ले जाएगी, इतना सामान ले जाएगी यहाँ पर। और बाकी गाइस यहाँ पे देखो जितनी भी आप लोगों को चीज़ें मिलेगी सेल में, सब सेल में मिलेगी आप लोगों को, 150-200 गर्ल्स के लिए तो मतलब धमाका ऑफर है यहाँ पर, 150 रुपये 200 रुपये 100 रुपये इतनी सारी चीज़ें मिलेगी, बैक शीट वगैरह सब चीज़ मिलेगी। बाकी गर्ल्स का तो बहुत भयंकर मार्केट है, शूज वगैरह सब कुछ, खाने पीने का भी है। बाकी चलते हैं और दिखाता हूँ लोगों को, आप लोगों को इस मार्केट में ना गर्ल्स की डेनिम जैकेट मिलेगी मस्त मस्त, और लॉक वाले जेंट्स जींस मिलेंगे 200-200 रुपये। वाह यार गर्ल्स के लिए तो बहुत खतरनाक सेल है यहाँ पर, सब 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये में तो बहुत खतरनाक ड्रेस तैयार हो जाएगा गर्ल्स में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी चलते हैं और विजिट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे गाइस सरोजनी बाजार घुमा मैंने, मतलब बॉयज़ की तो है लेकिन काफ़ी कम दुकानें हैं बॉयज़ की, आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। बाकी जो गर्ल्स का है ना बहुत अच्छी, मतलब गर्ल्स की काफ़ी सारी दुकानें हैं, और यहाँ पे जो गर्ल्स का मिलेगा ना सेल में आइटम मिलेगा, मतलब 1000 रुपये में इतनी सारी ड्रेस आ जाएगी उसकी, जिसकी कोई हद नहीं, 100 रुपये 150 रुपये 50 रुपये काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती सस्ती मिलेंगी यहाँ पर अधिकतर। तो गर्ल्स के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है लेकिन बॉयज़ के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए बहुत कम ऑप्शन है। बाकी देखते हैं और कुछ मिलेगा तो, मेरे को वैसे लोवर चाहिए था लेकिन मैंने मनपसंद एक भी लोवर नहीं मिला। बाकी आगे चलते हैं और कुछ मिलता है तो बताते हैं और बताते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सरोजनी बाजार से शॉपिंग करके, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी बड़ा मार्केट है, वो मेन जो मार्केट है वो गर्ल्स का ही है, बॉयज़ की काफ़ी कम दुकान है लेकिन आप लोगों को काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, फिर आप लोगों को आपके मतलब की चीज़ मिलेगी।
बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए।